यातायात माह के अंतर्गत एसपी ट्रैफिक महेंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में स्कूली बच्चों द्वारा यातायात जागरूकता रैली का आयोजन किया गया तथा साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। रैली काली मंदिर तिराहा से प्रारंभ होकर गणेश चौराहा, विजय चौक, कचहरी चौराहा होते हुए जटेपुर समाप्त हुई, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक महेंद्रपाल सिंह ने बताया कि यातायात माह 4 फरवरी तक पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, जिसमें ऑटो एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट विद्यालय तथा सभी विभागों के सहभागिता है। इस रैली का उद्देश्य यातायात नियमों को जन जन तक पहुंचाकर लोगों को जागरूक किया गया, जिससे यातायात व्यवस्था को जन जन के सहयोग से और सुदृढ़ बनाया जा सके। इस रैली में बच्चों द्वारा पोस्टरों एवं नारों के जरिए जागरूक करने का प्रयास किया गया कि सड़क पर चलते समय वाहन की गति को नियमित रखें, सीट बेल्ट व हेलमेट का प्रयोग करें, सिग्नल का पालन करें तथा वाहन को रोड पर खड़ा न करें, पार्किंग में ही खड़ा करें, चौराहे तथा मोड़ पर वाहन की गति को कम कर लें और समाज में यातायात नियमों के संबंध में सभी को जागरूक करें, जिससे यातायात के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके, जिससे सुलभ एवं अवरुद्ध रहित यातायात व्यवस्था आमजन को उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर TSI मनोज कुमार राय, धर्मेंद्र सिंह, रामवृक्ष यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी एवं बच्चे मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने कहा, किसी भी वाहन के द्वारा होगा नुकसान, यहाँ से कैमरे से देखा जा रहा है, आपके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी, चालान भी किए जाएंगे और आपके प्रस्तुति देने जा रहे हैं। आज हम सभी आप सबको यातायात के नियमों से अवगत कराएंगे। आओ देखो, आओ देखो,
आप मत हमको सिखाइए क्या सही है और क्या गलत है, अपने काम से मतलब रखिए। जैसा कि आप सभी ने देखा, हेलमेट ना पहनने से आपके लिए ऐसी दुर्गति हो सकती है, इसीलिए हम कहते हैं हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिना हेलमेट पहने आप ट्रैफिक पुलिस से तो बच सकते हैं, परंतु यमराज से नहीं। कृपया ध्यान दें, सदैव हेलमेट पहने, हेलमेट चलान बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान की सुरक्षा के लिए पहने, तथा गाड़ी चलाते समय दिए गए सभी नियमों का अच्छी तरह पालन करें, अपनी और अपनों की सुरक्षा का ध्यान दें। बाइक से जाएंगे लेकिन एक शर्त पर, बाइक मेरा भाई चलाएगा। मैं निकला वो गाड़ी लेके रास्ते पे सड़क पे, इसीलिए कहते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव सेफ नहीं है। जैसा कि आपने देखा, ड्रिंक एंड ड्राइव पीने से ऐसे ही आपकी भी दुर्घटना हो सकती है। अगर अपना नहीं तो अपने परिवार का सोच के शराब पीकर गाड़ी ना चला। अरे भैया हॉस्पिटल कब तक आएगा? मेरे ऊपर नहीं है, सामने बहुत ट्रैफिक है। आप हमें मत दिखाइए क्या सही और क्या गलत है, मुझे जॉब के लिए लेट हो रहा है। हमें इसी परेशानियां रखनी चाहिए कि अगर हमारे पीछे कोई भी एम्बुलेंस की गाड़ी आए तो हम उसे साइड दे सके, क्योंकि हमारा जॉब किसी की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कृपया इस दृश्य को हकीकत में ना दोहराएं। से 4 फरवरी तक पूरे प्रदेश में यातायात जागरूकता महा पुनः मनाया जा रहा है। इसमें सभी ऑटो एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, सभी विद्यालय शिक्षा विभाग, सभी विभागों की इसमें सहभागिता है। नोडल इसका परिवहन विभाग है, जिसमें ट्रैफिक विभाग सहयोगी के रूप में। इसी क्रम में आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल पिपराइच और मोहद्दीपुर के बच्चों द्वारा सभी आमजनों के लिए घर घर तक यातायात नियमों की जागरूकता पहुंचाने के उद्देश्य से काली मंदिर से एक यातायात जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जो विजय चौक, गणेश चौक, विजय चौक, अग्रसेन चौराहा, कलेक्ट्रेट, शास्त्री होते हुए जटेपुर पर आकर संपन्न हुई यातायात जागरूकता यात्रा। यहाँ पर आकर बच्चों ने यातायात नियमों से संबंधित नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया, जिसे सभी राहगीरों ने आते जाते देखा। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों ने बहुत अच्छा आमजन के लिए संदेश दिया कि सभी लोग सड़क पर चलते समय यातायात नियमों को अपनाएं और यातायात नियमों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सर इस तरीके से और बच्चों ने बहुत अच्छे से इसका चित्रण किया कि किस प्रकार किस रूल का वायलेट करने से कितनी गंभीर दुर्घटना हो सकती है और दुर्घटनाओं में जान जाने की संभावना बनी रहती है। तो इसके लिए मैं CPS पब्लिक स्कूल का आभारी हूं और इसके माध्यम से निश्चित रूप से लोगों में संदेश जाएगा इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और घर घर तक की ये एक मुहिम बनेगी। यातायात नियमों की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और इसके माध्यम से हम घर घर तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें और गोरखपुर शहर के लिए एक सुरक्षित सिटी के रूप में विकसित करें। थैंक यू। जय हिंद।